नमस्कार, मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल पर आपका हार्टली वेलकम करता हूं। इस चैनल में मैंने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, एक वीडियो बनाया हुआ है। आज हम ये बात करते हैं कि यदि पति या पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की पिटीशन फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल दी है और उसके बाद पति या पत्नी के पक्ष में एक साथ रहने की डिक्री पारित हो गई है, यदि उनमें से उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति जिद करके उस डिक्री या आदेश को नहीं मानता है, तो क्या वैधानिक स्थिति उत्पन्न होगी। तो प्रश्न यही उठा कि क्या पति या पत्नी को साथ रहने के लिए कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री के द्वारा बाध्य किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है। इस विषय पर इस वीडियो में मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मित्रों, अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जानकारी काफ़ी रुचिकर और आपके उपयोग की हो सकती है। इसमें पति या पत्नी के द्वारा जब धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का दावा फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विभिन्न आधारों पर लगाया जाता है, तो कई बार पति के द्वारा भी ये दावा इसलिए लगा दिया जाता है कि उसको पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े। बिना रीजन के पति पत्नी जब अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का दावा पति या पत्नी दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष इन दोनों में से लगा सकता है, फाइल कर सकता है। आज बात कर रहे हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रावधान हैं उनके तहत सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का प्रोविजन है, वो लीगल है कि नहीं है। इस विषय पर कोई भी पति या पत्नी बिना समुचित कारण के जब अलग अलग रह रहे हैं, पति या पत्नी न्यायालय के समक्ष रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट या वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट में ये आवेदन डाल सकता है। अब मान लीजिए उसमें पूरी एविडेंस आने के बाद डिक्री या आदेश पति या पत्नी के पक्ष में आ गया और उसके बाद भी पति या पत्नी एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, सहमत नहीं होते हैं, रहना नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो सेक्शन 9 के जो प्रोविजन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या पोजीशन है संविधान के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तथा आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, तो राइट टू लिबर्टी एंड डिग्निटी और प्राइवेसी के प्रश्न को कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामला श्रीमती सरोज रानी विरुद्ध सुदर्शन कुमार चड्डा 1984 सुप्रीम कोर्ट 1562 पर निर्णित किया और ये कहा कि सेक्शन 9 की जो डिक्री है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, उसका उद्देश्य मात्र पक्षकारों को साथ रखने तक ही सीमित है। किसी भी पक्षकार को इस बारे में एक दूसरे के साथ रहने के लिए कंपेल या बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभिमत 1984 में दिए गए फैसले में ये वर्डिक्ट आया। अब प्रश्न ये उठा कि डिग्री जब बाध्यकारी नहीं है तो शादी के पक्षकारों को साथ रहने के लिए न्यायालय कैसे बाध्य कर सकता है। तो पति सामान्यतः ये मामला इसलिए डाल देते हैं कि उनको वाइफ को मेंटेनेंस न देना पड़े। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये मामला पति या पत्नी के पक्ष में निर्णित न्यायालय द्वारा कर दिया गया और आदेश दे दिया गया कि वो दोनों एक साथ रहें। अब मान लीजिए वो नहीं रहते हैं, तो 2019 में ऐसी एक पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आई जिसमें 3 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है और अभी उसमें फैसला आना बाकी है। पत्नी को बिना कारण के अलग अलग रहने पर मेंटेनेंस पति द्वारा नहीं दिया जाएगा, ऐसी स्थिति पूर्व में निर्णित हुई थी। शादी का पक्षकार यदि अलग रह रहा है और एक वर्ष तक उन दोनों के संबंध नहीं है, आपसी वैवाहिक संबंध नहीं है, तो वो तलाक के लिए पिटीशन न्यायालय के समक्ष किसी भी आधार पर लगा सकते हैं। काफी देशों में सेक्शन 9 जैसे प्रोविजंस को हटा दिया गया है और डिक्री के एक वर्ष बाद भी जब वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं कोर्ट के आदेश के बाद, तो डाइवोर्स पिटीशन वो चाहे तो म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति के आधार पर भी वो पेश कर सकते हैं। दोनों की जहाँ सहमति हो जाए कि हमें एक साथ रहना ही नहीं है, ये अंतिम स्थिति बनती है और अंतिम स्थिति होना भी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध है वो हिंदू लॉ में एक पवित्र दाम्पत्य बंधन माना गया है और सप्तसती 7 फेरों के बाद ये पवित्र संस्कार होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की ये स्थिति डाइवोर्स जैसी नहीं आए,
लेकिन अगर अंततः नहीं कोई स्थिति बनती है तो वो डाइवोर्स पिटीशन कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स के जो ग्राउंड दिए गए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में उनमें से किसी भी आधार को लेकर वो डाइवोर्स पिटीशन न्यायालय के समक्ष चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फैमिली कोर्ट हो प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें भी कुछ कोर्ट की ये कोशिश रहती है कि 6 महीने के अंदर वो काउंसलिंग कराएंगे, उन दोनों को समझाएंगे, कैमरा प्रोसीडिंग भी होती है न्यायालय के समक्ष, न्यायाधीश कोशिश करता है कि इनका परिवार जुड़ जाए, बिखरे नहीं, और छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई उनमें आपसी तनाव के कारण तलाक तक स्थिति पहुंच गई है तो सुधर जाए। तो मैंने इस मामले में आपको ये बतलाने का मेन प्रयास किया कि धारा 9 की जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट या जो पुनर्स्थापना विवाह की कार्यवाही के संबंध में कोई आदेश या न्यायालय की कोई डिग्री दे दी गई और पति पत्नी साथ साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा पुराना जो 84 का मैंने अभी आपको श्रीमती सरोज रानी विरुद्ध सुदर्शन कुमार चड्ढा का प्रकरण बताया, पक्षकारों को साथ रहने तक सीमित ऐसी व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय दी है, उन्हें बाध या कंपेल एक साथ रहने के लिए नहीं किया जाता है, और यदि मामला नहीं सुलझता है तो अंततः अन्य कोई विकल्प न होने की दशा में चाहे वो पुलिस के अंदर कई बार पुलिस से काउंसिल द्वारा बुलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो फिर अंततः डाइवोर्स की स्थिति बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।